नमस्कार मित्रों, मैं पीयूष कुशवाहा, ग्राम बड़गांव, जिला खरगोन से। जी हाँ, ये वही बड़गांव है जो अभी कुछ दिनों से बड़ी सुर्खियों में है। सुना ही होगा आपने कि जहाँ पर अभी दो रोज पहले ही 6 नए कोरोना मरीज और बड़े हैं। एक पहले था ऐसा, टोटल इस छोटे से गांव में 7 कोरोना केस हैं। आप जानते हैं कैसे हुए, कई लोगों के फ़ोन आते हैं, रिश्तेदारों के, परिचितों के, कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बहुत शॉर्ट में कोशिश करूँगा बताने की। पहला बंदा जो कि इंदौर से आया था, 27 तारीख को गनगौर पर्व था, लॉकडाउन चालू था, जैसे तैसे करके वो गांव पहुंचा और कहीं ना कहीं वो शायद संक्रमित के संपर्क में था। उसे ये पता भी था कि इंदौर में कोई भी होगा। खैर, उसे कुछ तकलीफ भी हुई और वो एक दो दिनों बाद बीमार हुआ और गाँव वालों ने भी सपोर्ट किया। उसने सामने से ही फ़ोन करके कहा कि मुझे तकलीफ जैसा लग रहा है, और उसे ले गए और वो कुछ दिनों बाद, 2-4 दिनों बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ठीक है, एक केस तो समझने की बाहर से आया था। अब बात आती है जो अभी 3-4 रोज पहले आपने जो खबर अभी जो सुर्खियों में चल रही कि नाई के कारण 6 कोरोना पॉजिटिव और बड़े हैं बड़गांव में। तो ये घटना है 27 तारीख को, वो मनोज कुशवाहा नाम से जो पहला संक्रमित व्यक्ति गांव में आया था, वो 28 तारीख को सुबह गांव के ही एक नाई भाई से शेविंग करवाता है, और उस बंदे की शेविंग करने के बाद लगभग 12-15 लोगों की और शेविंग उसी नाई के द्वारा होती है। और जैसे ही मनोज कुशवाहा की रिपोर्ट आती है 5 तारीख को पॉजिटिव, तो ये सब भी दहशत में हो जाते हैं कि जो शेविंग करने वाले भाई, खुद वो भी और जो परिवार वाले, स्वास्थ्य दल की टीम आती है और 6 तारीख को लगभग 27 लोगों के सैंपल लेके जाती है। उनमें से कुछ लोग वो थे जो उसके परिवार वाले थे, जो मिले जुले थे या जिनके साथ वो बैठ के आया था, वो लोग थे, और लगभग 15 लोग वो थे जिन्होंने शेविंग बनवाई थी और स्वयं नाई, ऐसा करके 15 लोगों किए थे। कुछ दिनों बाद में 5 लोगों की रिपोर्ट आती है जो एकदम करीबी थे, जो घर वाले थे, उनके बच्चे थे, परिवार वाले थे, और वो लोग जिसकी सबसे पहले शेविंग की थी और स्वयं वो नाई जिसने उसकी शेविंग की थी, इन लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आती है। तो कहीं ना कहीं गाँव में और यही माहौल था कि संक्रमण नहीं फैला है। बचे थे लगभग 7 या 8 लोग जिनकी रिपोर्ट बाकी थी। अब ये केस हुआ था 28 मार्च को, जब ये शेविंग करी थी, और लगभग महीना भर होने को आ जाता है जो बाकी 8 लोगों की रिपोर्ट ही नहीं आती है। गांव वाले परेशान हो जाते हैं कि भैया इनकी रिपोर्ट कब आएगी, तो निश्चिंत हो जाएं। तो आगे स्वास्थ्य दल से पूछा जाता है कि भाई इनकी रिपोर्ट कब आएगी, तो उनका कहना ये हुआ कि लगभग तुम्हारे गांव में कोई पॉजिटिव नहीं है, इसलिए शायद तुम्हारी जांचों को साइड में रख दिया है, या फिर नेगेटिव को वो शो नहीं कर रहे, सब नेगेटिव है। वैसे भी वो लोग जिनके सैंपल गए थे वो होम क्वारंटाइन हो गए थे, घरों में ही थे, किसी से मिलना जुलना, खाना रहना अलग ही था उनका। और कुछ दिनों बाद सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि 28 मार्च की घटना, और काफ़ी दिन हो जाते हैं ना इनमें से कोई बीमार होता है, ना कोई इनको लक्षण आते हैं, ना कोई तकलीफ होती है। जो 8 लोग बचे थे वो परेशान हो जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति फ़ोन लगा देता है सीएम हेल्पलाइन में कि भैया हमारी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, लगभग 18 दिन हो चुके हैं, और कब तक हम घरों में रहेंगे, तो इस पर कुछ एक्शन लीजिए। चलिए वो ठीक है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि सैंपल लिया गया 5 अप्रैल को और अचानक से 23 तारीख को, लगभग सैंपल लेने के 18 दिन और संपर्क में तो 28 मार्च को ही आ गए थे, 23 तारीख को रिपोर्ट आती है रात को, और जो बचे हुए, मतलब जो 6 लोगों की रिपोर्ट आती है सबकी पॉजिटिव आती है, 2 लोगों की तो अभी भी रिपोर्ट आई नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है कि जो एकदम करीबी थे, जो पास संपर्क में आए थे, उन 15 लोगों की नेगेटिव आई सारी एक साथ में, 5 जो पहले वो भी नेगेटिव,
और जो बची हुई रिपोर्ट थी वो सारी पॉजिटिव, सोचने वाली बात है। अच्छा दूसरी बात ये कि चलिए ये सारे के सारे जो 6 लोग पॉजिटिव पाए गए इनको कोई लक्षण नहीं हुआ अभी तक, न खांसी हुई, न सर्दी जुकाम बुखार, सांस लेने में तकलीफ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई कह सकते हैं कि चलो इनको इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा, लेकिन उनमें से जो 2 लोग हैं उनकी एज 70 से ऊपर है, 75 भी है, ऑलरेडी इनको कई बीमारियां भी हैं, तो क्या इनका इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा था? चलिए मान लेते हैं इनका भी अच्छा था, लेकिन मेरा तो ये सोचना है कि उनको 5-23 दिनों तक कोई तकलीफ नहीं हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो रिपोर्ट्स आई हैं हमारे गांव वालों, किसी को भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि ना उनको देखने में, उनके रहन सहन में कहीं से कहीं तक वो संक्रमित नहीं लग रहे हैं, और हो सकता है कि कहीं जांच किट में कुछ प्रॉब्लम हो। खैर वो जो भी हो, फिलहाल तो पॉजिटिव आई है और वो हॉस्पिटल में ही है, एडमिट है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। लेकिन मेन बात ये आती है कि जांच के लगभग 18 दिन बाद रिपोर्ट आती है, अभी भी 2 लोगों की रिपोर्ट आई नहीं है। अच्छा एक बात और कि सोचने वाली बात यह कि जो एकदम शेविंग तुरंत बाद में जिन्होंने करवाई थी वो सब नेगेटिव आए, उसमें से कुछ तो बड़े वृद्ध थे जिनके इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा नहीं था, उनकी भी नेगेटिव आई है। जिनका पहले ही जांचें हुई वो सारी नेगेटिव आई है, और जो बाद में ये जांचें हुई पूरी की पूरी सब पॉजिटिव आई है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये 6 लोगों में भी 2 लोग काफ़ी एजेड हैं, जिनकी एज 70-75 साल है, उनको और भी कई तकलीफें हैं, लेकिन उनको भी धेले भर की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो यदि उनको, मेरा मानना है, कोरोना वायरस होता तो अभी तक तो कुछ ना कुछ तो उनको तकलीफ होती। लगभग आज 23 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, और 1 महीने पुरानी बात है, और ये रिपोर्ट का इतना लेट आना ये भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अगर ऐसा रहा तो कैसे हम इस कोरोना को हरा पाएंगे? आप सब सोचिए। अब जो हाल था मैंने आपको सुना दिया है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। कुछ लोग को सोचना ये भी है कि जबरन पॉजिटिव केस बढ़ाए जा रहे हैं ताकि कुछ फंड वंड मिले, या फिर हमारे इन 6 लोगों की जिनकी रिपोर्ट नहीं आई थी उनमें से एक बंदे ने फ़ोन लगा दिया था CM हेल्पलाइन में, शिकायत कर दी थी कि हमारी रिपोर्ट आई नहीं है, लगभग 1 महीना होने का हो गया, 22-23 दिन हो चुके हैं, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, तो सबकी पॉजिटिव कर दी। अब क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी तो यही शुभकामनाएँ और यही उम्मीद आशा विश्वास है कि उनको भी नेगेटिव ही होना चाहिए। हमने जांच की मांग भी की है, और जो पहले संक्रमित मनोज भाई कुशवाहा थे उनका ट्रीटमेंट होने के बाद भी वो भी नेगेटिव हो गए हैं, और वो भी स्वस्थ होकर के खरगोन में आइसोलेट हैं। वैसे बाकी वो स्वस्थ घोषित कर दिए गए हैं, वो आ चुके हैं। इस बीच में एक बड़गांव के लिए तकलीफ सबको झेलनी पड़ रही है, जैसे कुछ किसान हैं उनको अपनी फसल बेचने में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मंडी में या जहाँ भी खरीदी होती है वो सब बड़गांव की फसल लेने के लिए तैयार नहीं है। बड़गांव का नाम सुन के मना कर देते हैं, जैसे गेहूँ बेचने हो तो बड़गांव के नहीं खरीदे जाएंगे, ऐसा होता है। पड़ोसी गांव में या बैंकों में बड़गांव के नाम से एंट्री नहीं है कि बड़गांव का कोई भी व्यक्ति को बैंक से पैसे वगैरह की लेन देन नहीं हो पा रही है, तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से ये लोग जो अभी 6 लोग पॉजिटिव आए हैं इनकी पुनः जांच की मांग की है, शायद हो भी गई है, और जल्दी से इनकी रिपोर्ट आ जाए और उसमें नेगेटिव हो, और गांव को थोड़ी बहुत छूट दी जाए कृषि कार्यों के लिए, फसल बेचने के लिए या बैंक में लेन देन के लिए, और जल्दी से इस कोरोना महामारी से छुटकारा मिले, सभी स्वस्थ हों, अपने अपने कामों में लगे, देश का पुनः उत्थान हो, उन्नति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पीयूष कुशवाहा, धन्यवाद।